हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर FPH में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स के बारे में। पॉपुलेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कुछ ईयर्स की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो दी हुई है, तो हम नेक्स्ट ईयर्स को कैसे पॉपुलेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं या पॉपुलेशन फोरकास्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है हमारे पास, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, या फिर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, ऐसे ही लॉजिस्टिक कर्व मेथड है हमारे पास। तो हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स है, हर एक मेथड से मैं एक एक न्यूमेरिकल उठाऊंगा। आज की जो वीडियो है, इसमें हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे पास ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड या इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है या फिर लॉजिस्टिक कर्व मेथड है, तो वो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप उनकी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं, तो उसके बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि वाटर डिमांड कैसे बढ़ेगी। अगर हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज ऐसे हो रहा है, तो हमारे पास वाटर डिमांड कैसे बढ़ेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला ही जो मेथड है हमारे पास वो है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में हम जो है पॉपुलेशन, अगर हमें nth डिकेड की निकालनी है, पॉपुलेशन ऑफ nth डिकेड इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ प्रीवियस डिकेड प्लस n x बार। जो हमारे पास n होता है, ये होता है नंबर ऑफ डिकेड, मतलब कि अगर हमें यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हमें 1980 की पॉपुलेशन निकालनी है, तो PN हो गया 1980, 1970 तक दिया है, 1980 का निकालना है, तो PN हो गया 1980 इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट होता है जो हमारी लास्ट पॉपुलेशन जो है हमारे पास पता है, हमारे पास लास्ट पॉपुलेशन कौन सी पता है, P 1970 प्लस N हो गया कितने डिकेड्स के बाद हम देख रहे हैं, कितने डिकेड्स के बाद देख रहे हैं, तो 1970 हमें दिया हुआ है, हम 1980 का दिखा रहे हैं, तो हमें एक डिकेड के बाद, तो यहां पर एन की वैल्यू एक आ जाएगी, और एक्स बार जो होता है, ये होता है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो हम यहां पर आप दिखा सकते हैं, पी एन हो गया फोरकास्टेड पॉपुलेशन, पी नॉट हो गया पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, एन हो गया नंबर ऑफ डिकेड, एक्स हो गया एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। जो हम पॉपुलेशन इंक्रीज हमारे पास होता है, उसका अर्थमेटिक इंक्रीज जो है वो होता है एक्स बार। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां पर ईयर दिया हुआ है और पॉपुलेशन दिया हुआ है, 1930 में 25,000, 1940 में 28,000, 1950 में 34,000, 1960 ये, और 1970 47,000। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ही एक टेबल बनाना है ऐसे, जिसमें हम ईयर लिखेंगे, पॉपुलेशन लिखेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमने ये जो है ये वैल्यूज यहां पर ऐसे ही लिख दिए हैं, तो 1930 में 25,000 और 1940 में 28,000। फिर हमें क्या करना है, हमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है, मतलब कि यहां से 1930 से 1940 तक कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, वो निकलेगा जब हम 28,000 में 25,000 माइनस करेंगे, तो हमें आ जाएगा कि इतना इसमें पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ। तो हम 28,000 माइनस 25,000 करेंगे, तो हमारे पास 3,000 निकल के आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 3,000, यहां पर लिखना इन दो के बीच में आ गया 3,000। ऐसे ही हमें देखना है कि 1940 से 1950 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, तो हम 34,000 माइनस 28,000 करेंगे, तो ये हमारे पास 34 माइनस 28 आ गया हमारे पास 6,000। तो हमारे पास 6,000 का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें देखना है 1950 से 1960 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, तो हम 42,000 माइनस 34,000 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 8,000। ऐसे ही अगर हमें देखना है कि 1960 से 1970 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, तो वो करेंगे 47,000 माइनस 42,000, तो हमारे पास इसका आ जाएगा वैल्यू 5,000। ये हो गया इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्स से डिनोट करते हैं। अब हमें टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, इन सब का सम करना है टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालने के लिए, वो आ गया 3 प्लस 6 हो गया 9, 9 प्लस 8 हो गया
सेवनटीन, 17 + 5 हो गया 22, तो हो गया 22,000। टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो गया, इन सब का सम करना है हमें, तो वो आ गया 22,000, 22,000। अब हमें नेक्स्ट जो है एवरेज, जो हमें ये एक्स बार निकालना है। एक्स बार होता है एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन नोन डिकेड्स। तो हमारे पास इसका मीन निकालना है। ये जो टोटल आ गया हमारे पास मीन, तो आपको पता ही होना चाहिए मीन जो होता है सम ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स। मतलब कि यहां पर आप देखेंगे हमें इनका सम करना है और डिवाइड करना है ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यहां पर 4 हमारे पास है ये। तो हम, हमारे पास इन सब का सम आ गया था 22,000, तो हम करेंगे 22,000 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास 22,000 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा हमारे पास एवरेज अरिथमेटिक मीन, वो आ गया 22,000 अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास 4 है, तो हम करेंगे 22,000 डिवाइड बाय 4, तो वो आ गया हमारे पास एक्स बार की जो वैल्यू आ गई एवरेज अरिथमेटिक मीन की, जो आ गई ये वैल्यू वो आ गई 5,500, 5,500। तो एवरेज अरिथमेटिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो आ गई वो आ गई 5,500। अब हमें क्या निकालना है, हमें पॉपुलेशन निकालनी है 1980 में क्या आ जाएगी पॉपुलेशन, यहां पर आप देख सकते हैं, फाइंड द पॉपुलेशन इन 1980, 1990 एंड 2000। अब हमें ये पॉपुलेशन निकालनी है, उसके लिए हम फार्मूले क्या यूज करते हैं, ये वाले फार्मूले यूज करेंगे। पॉपुलेशन इन 1980 निकालना है, हमारे पास फार्मूला है पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। अब देखो यहां पर पी 1980 हमने निकालना है, 1980, तो पी 1980 इज इक्वल टू पी नॉट, लास्ट वाली पॉपुलेशन हमारे पास क्या है वो आ जाएगा पी 1970 प्लस एन हो गया नंबर ऑफ डिकेड्स क्या है, एक्स बार हमारे पास क्या निकल के आ गया 5,500, 5,500। तो हम करेंगे पी 1980, 1980 इज इक्वल टू पी 1970 क्या है हमारे पास 47,000, 47,000 प्लस एन हो गया इस 1970 के बाद कितने डिकेड्स है 1980 तक, तो 1980 तक हमारे पास एन के लिए वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 1970 के बाद 1980 आता है तो एक डिकेड का फर्क है, तो एन के लिए 1 वैल्यू आ जाएगी इंटू 5,000, 500, तो ये आ जाएगा सीधा 47,000 प्लस 5,500, 47,000 प्लस 5,500। तो हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ 1980 जो आ गया वो आ गया हमारे पास 52,500, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हमें नेक्स्ट जो वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर हम निकालेंगे 1990 के लिए भी हमें पॉपुलेशन निकालनी है, तो हम निकालेंगे ऐसे पॉपुलेशन पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। तो हमारे पास पी एन क्या है 1990 के लिए हमें निकालना है, तो हम पी 1990 करेंगे इज इक्वल टू पी नॉट, जो हमारे पास लास्ट वाली पॉपुलेशन पता है, लास्ट वाली पॉपुलेशन हमारे पास कितनी पता है पी 1970 प्लस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू 1990, 1970 से 1990 तक क्या आ जाएगी 1970, 1980, 1990, मतलब कि एक डिकेड और ये हो गया 2 डिकेड, मतलब कि 1970 से 1990 तक 2 डिकेड का फर्क है, तो हम एन जो है 2 डिकेड लेंगे और एक्स बार जो हमारे पास यहां पर वैल्यू आ गई है 5,500, तो वो हो गया 5,500।
यहाँ पर P1990 पॉपुलेशन इन 1990 क्या आ जाएगी, P1970 है हमारे पास, 47,000 प्लस 2 टाइम्स 5,500, 2 × 5,500 तो ये आ गया 11,000, ये आ गया 11,000, 47,000 प्लस 11,000, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास 47,000, 47,000 प्लस करेंगे 11,000 तो ये हमारे पास आ गया 58,000। तो हमारे पास पॉपुलेशन इन 1990 आ गया 58,000, 58,000। अब हमें नेक्स्ट जो निकालना है, नेक्स्ट निकालना है हमें पॉपुलेशन इन 2000, पॉपुलेशन इन 2000, पॉपुलेशन इन 2000 के लिए फिर से हम पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार निकालेंगे। तो पी एन हमें पी 2000 निकालना है, इज इक्वल टू पी नॉट हो गया जो लास्ट वाली पॉपुलेशन हमें पता है वो हो गया पी 1970 प्लस एन हो गया 1970 से 2000 तक कितनी डिकेड आती है वो आगे 1980 एक डिकेड, 1990 एक डिकेड, 2 डिकेड और 3 डिकेड जो आती है 2000 तक, 1970 से 2000 तक 3 डिकेड आती है। तो हमें एन की वैल्यू जो है वो 3 लेनी है और एक्स बार जो है इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो आ गई है हमारे पास, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन वो है हमारे पास 5,500। तो यहां पर लिखेंगे 5,500, तो हमारे पास आ गया पी 1970 जो है 47,000, तो हम लिखेंगे 47,000 प्लस 3 टाइम्स 5,500, तो ये आ गया हमारे पास 3 टाइम्स 5,500, तो ये आ गया 47,000 प्लस 16,500, 16,500 प्लस करेंगे हम 47,000, तो ये हमारे पास निकल के आ गया पॉपुलेशन इन 2000, निकल के आ गया हमारे पास 63,500, तो 63,500 हमारे पास पॉपुलेशन निकल के आ गई 2000 जो है उसके लिए 63,500 हमारे पास पॉपुलेशन निकल के आ गई। तो ये हो गया हमारे पास अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अगर आपको वीडियो देखनी है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड या इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के बारे में तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं वो क्वेश्चन भी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।